हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूँ गौरव राणा और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज किसी को नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल GR पे। तो दोस्तों यदि आप भी अभी नए YouTube क्रिएटर हैं, यानी कि आपने अभी हाल ही में चैनल बनाया है या फिर आप YouTube पर चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियो पर ज्यादा अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज की वीडियो में आपको एड ब्रेक यानी मिडरोल एड के बारे में समझाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। यदि आप वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करेंगे तो 100% आप समझ जाएंगे और आप इस वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा फायदा अपना कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप मिडरोल एड एड ब्रेक लगा करके अपनी यूट्यूब वीडियो से और भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, कोई भी यूट्यूबर ये तो नहीं चाहता है कि जब उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है कि भाई मेरी वीडियो से अर्निंग कम हो, कम कमाई हो। हर किसी यूट्यूब क्रिएटर की मनीषा यही रहती है कि भाई मेरी वीडियो पर ज्यादा एड आए, ज्यादा कमाई हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एड ब्रेक क्या होते हैं, उन्हें लगाने से क्या फायदा होता है और किस तरीके से आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो मन तक बनी रहेगी, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अभी से यदि आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो आपको इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत कीजिएगा। आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नजर आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन यानी उसके बाद आपको एक घंटे का चिन्ह यानी कि बेल आइकन नजर आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर देना है, जिससे कि हमारे आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन आप इसको जरूर अंत तक वीडियो को वॉच करना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारी बातें समझाने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से आप समझना, मान लीजिए आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं और आपने अपना चैनल बना लिया, तो आपका चैनल बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेशर है आप, तो आपकी वीडियो पर एड तो भी नहीं आएंगे क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। हालांकि देखिए, यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के कई रास्ते होते हैं। देखिए, आपका चैनल जब बड़ा हो जाएगा, आपके चैनल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी मिलते हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं और आपकी वीडियो पर सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और फ्रेंड्स यहाँ पर सुपर थैंक्स के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, मर्चेंटाइज करके भी कमा सकते हैं और आप अपने चैनल से एफिलिएट मार्केट करके भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको जेन्युइन तरीका जो बताऊंगा आपको कमाई किस तरीके से होती है यूट्यूब से। आप जो वीडियो देखते हैं ना, आप किसी और का भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो आप देखते होंगे वीडियो के बीच बीच में या फिर स्टार्टिंग में या फिर अंत में आपको एड देखने के लिए मिलते होंगे। कुछ एड तो ऐसे होते हैं जो स्किप करने के लिए आ जाते हैं, कुछ नॉन स्किपेबल होते हैं, कुछ बंपर एड होते हैं, कुछ डिस्प्ले एड होते हैं यानी कुछ ओवरले एड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी वीडियो पर जो एड आते हैं ना, आपको उससे कमाई होती है, ना कि आपकी वीडियो से कमाई होती है। आपकी वीडियो में जो एड चलते हैं उनसे अर्निंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। कि वीडियो पर ये एड कब चलेंगे, जब आप यूट्यूब का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लोगे, यानी कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा लोगे, तब आपकी वीडियो पर एड आने लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, चैनल आपका मोनेटाइज तब होगा जब आप 12 महीने के अंदर, लास्ट 12 महीने के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रेंड्स आपके चैनल पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा और एक भी कम्युनिटी एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होगी, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो आपकी वीडियो पर एड आने लगेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अब समझना एड ब्रेक के बारे में, ठीक है। जब आपकी वीडियो पर एड आने शुरू हो गए तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए कई तरह के वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, कोई 1 मिनट का वीडियो मिल जाता है, कोई 30 सेकंड का वीडियो मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो भी मिलते हैं और लॉन्ग वीडियो भी, यानी कि 15-20 सेकंड से लेकर के वीडियो आपको कई के घंटे तक के वीडियो मिल जाएंगे, 1 घंटे का 2 घंटे का या फिर 10 मिनट का 20 मिनट का ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। अब पहले क्या था फ्रेंड्स यूट्यूब पर, YouTube पर पहले था कि आप 10 मिनट से ज्यादा के वीडियो में, यदि आपने कोई वीडियो 10 मिनट से ज्यादा का बना रखा है तो आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार मर्जी से बीच बीच में एड ब्रेक जो होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, एड ब्रेक जो होते हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। आपकी यदि कोई वीडियो 10 मिनट से ज्यादा की है तो, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आप वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो में जहां भी आपको टाइम देना हो, टाइम के अनुसार आप अपने मिडरोल यानी मिड माने बीच में एड सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यदि आपका कोई वीडियो 10 मिनट से ज्यादा का था तो, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर YouTube ने इस टाइमलाइन को घटा करके 8 मिनट कर दिया। अब फ्रेंड्स यदि आप कोई वीडियो 8 मिनट का बनाते हैं तो फ्रेंड्स आप 8 मिनट से ज्यादा के वीडियो में अपनी इच्छा अनुसार एड ब्रेक यानी मिडरोल एड यानी कि उसके बीच बीच में अपनी इच्छा अनुसार एड लगा सकते हैं कि भाई आपको किस समय पर एड दिखाना है अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी वीडियो से जो अर्निंग होती है वो तो कई रास्ते और हैं YouTube से पैसे कमाने के, वो भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपकी वीडियो जो अर्निंग होती है ना, वो आपकी वीडियो में जो एडवर्टीजमेंट यानी एड आते हैं उनसे अर्निंग होती है। अब मान लीजिएगा आपका कोई वीडियो आपने 9 मिनट का बनाया और आपने उसमें एड ब्रेक यानी कि मिडरोल एड नहीं लगाए, तो YouTube तो अपनी इच्छा अनुसार एड दिखाएगा। हो सकता है उस वीडियो के बीच में एड दिखा दे या फिर स्टार्टिंग में एड दिखा दे या फिर लास्ट में एड दिखा दे, यानी मान लीजिएगा YouTube उसमें 3 एड दिखाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी 9 मिनट की वीडियो पर YouTube ने अपनी तरफ से 3 एड दिखाई, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका वीडियो 9 मिनट का है। अब आप अपने उस 9 मिनट की वीडियो में अपनी तरफ से खुद से ही
टाइम अनुसार कि आपको किस समय पर एड दिखाना है अपनी तरफ से, और भी एड ब्रेक यानी कि मिड्रोल एड बीच बीच में और भी ज्यादा एड लगा सकते हैं। अब मान लीजिए YouTube आपके वीडियो पर दो एड दिखाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और आपका वीडियो 9 मिनट का है और आपने उसी वीडियो के अंदर अपनी तरफ से 3 एड ब्रेक एंड 3 मिड्रोल एड और सेट कर दिए, तो आपकी वीडियो पर 5 बार एड हो गए। तो फ्रेंड्स जब आपकी वीडियो कोई भी YouTube यूजर देखेगा और आपकी वीडियो पर 5 बार एड आएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि YouTube जो पैसे देता है ना आपकी वीडियो पर, एड जो चलते हैं उनके पैसे आपको देता है। तो फ्रेंड्स YouTube ने दिखाया था आपकी वीडियो पर 2 बार एड और यहाँ पर आपने उसी वीडियो में, उसी 9 मिनट की वीडियो में 3 मिड्रोल एड और सेट कर दी, तो आपकी वीडियो 5 एड हो गए। तो फ्रेंड जब 5 एड आपकी वीडियो पर आएंगे तो आपकी अर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि 5 बार आपकी वीडियो पर एड दिखेंगे। तो फ्रेंड इससे आप इसी तरीके से और भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप 8 मिनट से ज्यादा टाइम के वीडियो पर एड ब्रेक यानी मिड्रोल एड लगा करके अपने वीडियो से और भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स यही वो तरीका था, मुझे इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। और फ्रेंड्स यदि आपको मिड्रोल एड लगाने नहीं आते हैं, आप लगाना सीखना चाहते हैं, तो बहुत जल्द मैं वीडियो बनाकर के अपलोड कर दूंगा। और एक वीडियो मैंने अपलोड कर भी रखा है लेकिन और थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो बनाकर के अपलोड कर दूंगा कि आप किस तरीके से अपने 8 मिनट से ज्यादा के वीडियो में एड ब्रेक यानी मिड्रोल एड लगा सकते हैं और किस तरीके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, आप वो भी सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स आप इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।